हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 27 जनवरी सोमवार का दिन है। ऐसे में तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आपको बताएंगे। आपके व्यापार, करियर, उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। तुला राशि वाले जातक आज कौन से विशेष क्षेत्रों में कार्य करें जिनसे कि आपको ज्यादा सफलता, आपके मान सम्मान, संस्कृति में वृद्धि हो सके, आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सको, इसके लिए क्या करें क्या ना करें, क्या कहते हैं आपके सितारे, आपका लकी कलर, लकी नंबर कौन सा रहने वाला है। मित्रों, आज के दिन आपके ग्रह गोचर, आपके जीवन में, आपके व्यापार, करियर, आपके लव लाइफ तथा आपके स्वास्थ्य में कौन कौन से सकारात्मक परिवर्तन करने वाले हैं, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, आज तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि आज तरक्की के कई नए रास्ते खुले नजर आएंगे। शाम तक आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल बना रहेगा। आप माता पिता के साथ धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जा सकते हैं। आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर बना रहेगा। आसपास के लोगों के साथ आपको सहानुभूति मिलेंगे तथा इस राशि के छात्रों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम हासिल होंगे। आज आप कई तरह के नए काम करना चाहोगे, आपकी कोशिशें सफल रहेंगे। आज आपके जीवन में दूसरे लोगों का सहयोग भी मिलेगा। आज आपको अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि लाने के लिए कई अवसर प्राप्त होंगे। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अग्रसर रहेंगे। ऑफिस में आप किसी तरह की राजनीतिक में उलझ सकते हैं, इससे आपका समय बर्बाद होगा और आप थोड़े मानसिकता के शिकार हो सकते हैं। आज के दिन आपको धैर्य से कार्य करने की जरूरत है। आज आपके घर पर मेहमान आ सकते हैं। आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करोगे, उनके जीवन में आप काफी सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आज घर पर मेहमान आने से आपका मन खुश रहेगा। ऑफिस में काम अधिक हो सकती है और आप दोस्तों के साथ समय बिता सकोगे। आपने दोस्तों के साथ किसी नए विषय पर बातचीत कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आपके लिए आज का दिन कई सारी खुशियों को ला रहा है। आज आपकी किस्मत चमकने वाली है। करियर के मामलों में आपको कोई बड़ी सफलता मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको धन लाभ के अवसर मिलेंगे। आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे जो आपकी हर राह में हर तरह से मदद के लिए तैयार रहेंगे। आपके सगे संबंधी आर्थिक रूप से मदद के लिए तैयार रहेंगे। बिजनेस में बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकेंगी। आपके परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, साथ ही घर के सदस्यों का सहयोग भी मिलेगा। आपका कोई जरूरी काम पूरा होगा। जीवन में आपको आज लाभ के प्राप्त होने वाले हैं। मित्रों, तुला राशि के महिलाओं के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ अनुभवी व्यक्तियों की मदद मिल सकती है। आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगी और दाम्पत्य संबंधों में मधुरता रहेंगी। कोई खास बात आज आपको पता चल सकता है। ये वही आपको बताना चाहेंगे कि आज जो है आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। इस राशि के जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। इसके अलावा विद्यार्थियों को अपनी मेहनत से बेहतर परिणामों की प्राप्ति करने का मौका मिलेगा। आपको बताना चाहेंगे कि आप धार्मिक कार्यों में रुचि ले सकते हैं। आज के दिन तरह तरह की योजनाओं को बनाकर जीवन में सफलता पा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय आपका दिन कुछ खास लेकर आने वाला है। घर का वातावरण काफी खुशनुमा रहेगा। कुछ जरूरी काम आपके थोड़े से ही मेहनत पर पूरे होंगे तथा आपको जीवन में काफी अच्छे और काफी नई चीजों को जानने को, सुनने को, समझने को मिलेंगे। आप लवमेट को कोई उपहार दे सकते हैं, इससे आपके रिश्तों में नयापन आएगा। इस राशि के छात्रों को काफी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। साथ में पढ़ाई के मामले में दूसरे बच्चे आपसे प्रेरणा ले सकते हैं। वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। आपके सुख साधनों में बढ़ोतरी होंगे। रिश्ते काफी मजबूत दिख रहे हैं। जो छात्र किसी प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा लेने वाले हैं उन लोगों को काफी अच्छे मार्क्स की प्राप्ति होंगे तथा आपके दाम्पत्य संबंधों के बीच दूरियां खत्म होंगे। साथ ही रिश्तों में मधुरता आएंगी।
लेकिन बिजनेस की किसी बात को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। किसी काम में आपको सरकारी दफ्तर से भागदौड़ करनी पड़ सकती है, काम पूरा होने में समय लग सकता है। उधार लेन देन से आपको बचना चाहिए। कामकाज की व्यस्तता आपको खाना पीना भूलने दे सकती है। इसके साथ साथ आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी। हेलो मित्रों, जय माता।